सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आप सभी अपने अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, आज का हमारा विषय है हमारा सबका प्रिय त्योहार रक्षाबंधन। बच्चों, आप सब यह तो जानते ही हैं कि भारत त्योहारों का देश है, अर्थात भारत देश में समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस आदि। परंतु बच्चों, इन सभी त्योहारों में रक्षाबंधन का भी विशेष स्थान है। बच्चों, यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में आपस में मिलजुल कर और प्रेम के साथ मनाया जाता है। बच्चों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और यह त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। बच्चों, रक्षाबंधन के दिन सभी सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं और उसके बाद बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। बच्चों, भाई भी इस दिन अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन का त्यौहार एक बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, इसीलिए हम सभी को यह त्यौहार बड़े ही प्रेम से और मिलजुल कर मनाना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि यह कार्य आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से करना है। सबसे पहले बाईं तरफ आप आज की तिथि लिखेंगे। आज की तिथि है 28 जुलाई। उसके बाद दाईं तरफ आप आज का दिन लिखेंगे। आज है मंगलवार। फिर हमेशा की तरह एक लाइन छोड़कर आप शीर्षक लिखेंगे। हमारा शीर्षक है रक्षाबंधन निबंध। आओ बच्चों, अब हम निबंध लिखना शुरू करते हैं। नंबर एक, भारत त्योहारों का देश है। नंबर दो, यहाँ समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। नंबर तीन, इन त्योहारों में रक्षाबंधन का विशेष स्थान है। नंबर चार, यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। नंबर पांच, यह हर साल सावन मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। नंबर छह, इस दिन बहने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और कलाई पर राखी बांधती हैं। नंबर सात, बहने भगवान से अपने भाइयों की लंबी आयु और सुखी जीवन की
कामना करती हैं। नंबर 8, भाई भी अपनी बहनों को उपहार और जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। नंबर 9, यह एक पवित्र त्योहार है। नंबर 10, हमें यह त्योहार प्रेम से मनाना चाहिए। बच्चों, इस तरीके से आपको साफ और सुंदर लेख में यह कार्य अपनी कॉपी में करना है।